वेलकम टू मनीष गुरु। आज 11 मार्च स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में किस जिले के मयूर गुड़ को भारत सरकार से भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है इदुक्की को, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान छोटी अवधि के फसल ऋण पर ब्याज में कितने परसेंट की छूट के बारे में बैंकों के लिए नियमों को अधिसूचित किया है? तो यह सूचित किया है 2% की छूट, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2019 को किस राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना शुरू की गई? अटल आधार योजना जो है ये शुरू की गई महाराष्ट्र राज्य में, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2019 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना शुरू की? मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2019 को किस राज्य ने युवा श्री अर्पण योजना शुरू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवा श्री अर्पण योजना जो है ये शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा गठित संयुक्त कार्य समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये अध्यक्षता की जाएगी दिनेश अरोड़ा द्वारा, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने बस स्टॉप और बसों की रियल टाइम लोकेशन प्रदान करने हेतु 5 मार्च 2019 को कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो मोबाइल एप्लीकेशन बन दिल्ली, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने मार्च 2019 को कौन सा नामक एक्सो प्लेनेट के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो पुष्टि की है कैपलर 1658b की, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 6 मार्च 2019 को आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ $328 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं विश्व बैंक ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया है? 124वां सदस्य बना है मलेशिया, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 4 मार्च 2019 को पुर्तगाल के लिस्बन में ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है TVS मोटर ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने महिलाओं की आजीविका में सुधार एवं उन्हें कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने हैं? 8 मार्च 2019 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये हस्ताक्षर किए हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 6 मार्च 2019 को किस शहर पर रेपवे परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी है देहरादून मसूरी रेपवे पे, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? तो ये पहला पुरस्कार जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार के चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए नामित किया गया प्रियंका दुबे को, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने दिवालिया पेशेवरों की क्षमता को और बढ़ाने के लिए IBBI की सहायता हेतु किसके साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने 7 मार्च 2019 को 10 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय नौसेना के लिए परमाणु संचालित हमले वाली पनडुब्बी के पट्टे पर $3 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए हैं रूस के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति की किताब से किसे सम्मानित किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काने तनाका को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति की किताब से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है ये 10 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ।